स्टार्ट करते हैं सेशन को एंड वी विल डीलिंग विथ ऑल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक फैक्टर्स प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स एलसीएम एंड एच फैक्टोरियल्स रिमाइंडर थ्योरम Divisibility, last digit, and number of zeros, and also base system. The very basis how a number system is made. How a number system is made. These are all the topics which we will cover up in the next few sessions. Start. So, we will be starting with a number line. ऑलरेडी सीन नंबर लाइन स्कूल में पढ़ते चले आ रहे हैं सो व्हाट इज द नंबर लाइन नंबर लाइन हम एक ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें सम वेयर इन द मिडिल जीरो रहता है जीरो के राइट में वी एर पॉजिटिव नंबर्स वन टू थ्री एंड सो ऑन टिल पॉजिटिव इंफिनिटी और जीरो के लेफ्ट में रहेंगे नंबर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन टिल नेगेटिव इनफिनिटी, ओके। ऑल द नंबर्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। स्टार्ट करेंगे तो दो तरह के नंबर्स हमारे हो गए रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स इमेजिनरी यानी काल्पनिक जिनका वास्तविक नंबर्स से वास्तविक मैथमेटिक्स से तो संबंध है उनका

तो रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स नंबर्स विच कैन बी ड्रॉन ऑन अ नंबर लाइन एंड इमेजिन नंबर्स वो हो गए जिनको कि हम नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते विच कैन बी ड्रॉन ऑन अ नंबर लाइन ओके नाउ एक बात सोच के बताओ नंबर लाइन पे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे कितने नंबर्स होंगे हम जा रहे हैं माइनस इन्फिनेटरी से लेके इन्फिनिटी तक और इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ इट इंप्लाइज फाइनाइट इंप्लाइज दैट कैन बी काउंटेड जिसको हम काउंट कर सकते हैं दैट इज फाइनाइट एंड इन फाइनाइट इंप्लाइज दैट भी काउंटेड इतना बड़ा नंबर जिसको हम काउंट नहीं कर सकते नंबर लाइन पर कितने रियल नंबर्स ठीक है इनफाइनाटली मनी रियल नंबर अब अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कोई कि जीरो से लेकर वन के बीच में कितने नंबर होंगे नंबर बिटवीन जीरो एंड वन

जीरो पॉइंट वन 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 कैन एंड सो ऑन तुम कितनी बार वन लिखना चाहो टाइम्स लिख सकते हो और वो भी एक होगा जो कि के बीच में करेगा. रियल so, नंबर्स तो की क्या बात समझ में आती है ओके नाउ रियल नंबर्स को भी हम दो पार्ट्स में दो पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दो पार्ट्स आर रैशनल नंबर एंड इेशनल नंबर रैशनल एंड इेशनल नंबर रैशनल वर्ड बनता है रेशियो से रेशियो से बनता है ठीक है सो so, यानी कि जिस भी नंबर को हम रेशियो के पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज अ अशनल नंबर एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ इसका कहना क्या चाहता हूं ठीक है सो रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर कि क्यू शुड नॉट बी जीरो बिकॉज जैसे ही हमारे डिनोमीटर जीरो हो जाएगा नंबर क्या हो जाएगा नंबर क्या हो जाएगा अनडिफाइंड सो इफ क्यू इज इक्वल टू जीरो नंबर विल बी अनडिफाइंड ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा वन बाई जीरो वन बाई जीरो का मतलब कि इसको हम define नहीं कर सकते और क्यों डिफाइन नहीं कर सकते ये भी समझ में आना चाहिए इसको डिफाइन क्यों नहीं किया जा सकता ठीक है सो इफ वी को थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं Let us say, हमने नंबर लिया वन डिवाइडेड बाई जीरो और भी छोटा कर सकते हैं नंबर को बट पहले इतना समझते हैं। जीरो 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 नंबर हमारा कितना हो गया दिस नंबर इज

तो so, so, पहले हम जीरो के पास गए राइट वर्ड साइड से ठीक है और वन में डिवाइड किया वो नंबर जीरो 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 लेफ्ट साइड से गए और वन को डिवाइड किया माइनस जीरो पॉइंट जीरो 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 वन से बट इस बार नंबर आएगा हमारा माइनस टेन थाउजेंड और जितना हम पास जाते जाएंगे ये दुख रहे हो नंबर कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों नंबर में एक नंबर आ रहा है टेन थाउजेंड और एक केस में नंबर टेन यानी कि जितना हम जीरो के पास जाते जाएंगे उतना ही हमारा right से जा तो नंबर होगा, तो होगा और लेफ्ट तो होगा, बट होगा, निगेटिव, होगा निगेटिव. Why, जितना हम जीरो के पास जाएंगे एक्जैक्टली एट जीरो हम नहीं कह सकते नंबर हमारा प्लस इन्फिनिटी को रीच करेगा या माइनस इन्फिनिटी को रीच करेगा ठीक है यही सेम चीज किसी और नंबर के साथ अप्लाई करोगे फॉर एग्जांपल वन बाई टू है अब तुम वन पॉइंट वन बाई वन पॉइंट नाइन 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 दिस विल बी ऑलमोस्ट जीरो अगर तुम पॉजिटिव डायरेक्शन से जाओगे यानी कि 1 by 0001, तब भी रिजल्ट हमारा ऑलमोस्ट पॉइंट फाइव आएगा यानी कि तुम लेफ्ट हैंड साइड से जाओ या राइट हैंड साइड से जाओ दोनों ही केसेस में हमारा नंबर सेम नंबर को लिमिट करता है सेम नंबर पर पहुंचता जीरो पॉइंट फाइव पहुंचता दट इजन बाई टू इज अ डिफाइंड नंबर बट वन बाई जीरो को हम डिफाइन नहीं कर सकते क्या लॉजिक समझ में आता है ठीक है तो ये तो बात होगी क्योंकि क्यों वन हमारा इक्वल टू जीरो पे नंबर डिफाइंड नहीं होते हैं। तो बेसिकली ऑल रैशन नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू ठीक है इवन इफ वो दिख नहीं रहे हो कई बार ऐसा होगा नंबर जो तुम्हें गिवन होगा वो डायरेक्टली तुम्हारा पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं गिवन होगा डायरेक्टली एज अ फ्रैक्शन नहीं गिवन होगा बट उस नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इफ अ नंबर कैन बी इन अ फ्रैक्शन फॉर्म देन दैट नंबर इज अ रैशनल नंबर एंड इफ दैट कैन नॉट बी कन्वर्ट इन अ रैशनल फॉर्म इन दैट केस दैट इज अ इरेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन अपना क्या होता है दैट इरेशनल नंबर्स नंबर्स आर ऑल व्हिच कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन पी वाई क्यू फॉर्म्स इेशन नंबर टान टू बी रिप्रेजेंटेड इन पी वाई क्यू फॉर्म अब कहोगे सर बात तो समझ में आ गई बट पूरी तरह से समझ अभी आई नहीं है कि अभी भी हम दोनों के बीच डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल जो नंबर है फ्रैक्शन में गिबेन है उनके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्टली फ्रैक्शन में गिबन है अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और मिस हो गई थी डेट पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर्स

डेसिमल में लिखा हुआ है तब फिर कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल नंबर कैन इसको जीरो हम लिख सकते हैं और कर देंगे तो डेफिनेटली फॉर्म में आ रहा है, so बट ये तो बात होगी जबकि नंबर्स हमारे टर्मिनेट कर रहे हैं बट सारे के सारे डेसिमल्स टर्मिनेट तो नहीं करेंगे ठीक है सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के केस में हम कैसे डील करेंगे सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पे हम कैसे डील करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अब यहां पे हमें दो टाइप मिल सकते हैं एक तो हो गया जहां पे कि हमारा एक रिकरिंग पैटर्न होगा फर्स्ट इज व्हेन वी हैव ए रिकरिंग पैटर्न यानी कि एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है एंड सेकंड इज नो फिक्स पैटर्न नो रिकरिंग पैटर्न ठीक है यानी कि नो no रिपीटेशन पहले समराइज कर देते हैं फिर डिटेल में समझते हैं इफ द पैटर्न इज रिकरिंग देन दैट विल बी अ रैशनल नंबर इफ देयर इज नो रिकरिंग पैटर्न देन दैट विल बी इरेशनल नंबर बिकॉज हम उसको पीवाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे उसको हम पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे अब एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर एग्जाम्पल नंबर है हमारा जीरो पॉइंट वन टू वन टू वन टू या पहले सिंगल डिजिट कोई रिपीट करा देते हैं सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं अरे क्या हुआ ये हाँ। नंबर लेते हैं जीरो पॉइंट फोर 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 अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है पी वाई क्यू के फॉर्म में पर्पज ये हमारा है ध्यान से मेरी बात को समझना ठीक है तभी तुम्हारा एप्टीट्यूड जो है डेवलप होगा ऐसे क्वेश्चंस के बारे में या किसी भी जनरल क्वेश्चन के बारे में हमारा पर्पज क्या है हमें इस नंबर को पी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और पी और क्यू दोनों इंटीजर होने हैं यानी कि अगर हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है इसको, तो नंबर में जो डेसिमल के आगे का पार्ट है, है, तो है, तो है अब अगर इस नंबर को हम टेन से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा इफ वी मल्टीप्लाई दिस बाई टेन तो एक फोर हमारा डेसिमल से पहले भी आ जाएगा वी कैन राइट दिस और टेन एक्स विल इक्वल टू फोर पॉइंट

डेसिमल के बाद वाला नंबर हो वो अगेन वैसा ही हो जैसा कि हमारा एक्स में है तो हंड्रेड एक्स विल इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट वन टू वन टू वन टू एंड सो ऑन अब एक्स को सप्रैक कर दोनों टू so so सारा डेसिमल के बाद वाला पार्ट सप्रैक दिस इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स विल भीवल फोर बाई थर्टी थ्री एंड सिंस एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि इफ अ नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेटिव क्यू फॉर्म तो रैशन नंबर होगा सिमिलरली अगर नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल सो दैट इज ऑल्सो अल्टीमेटली कैन बी कन्वर्टेड इन पी फॉर्म और वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा ओके okay. एक और चीज जो यहां से हम जनरलाइज कर सकते हैं कि इफ द नंबर बी ए बी ए बी एंड सो ऑन यानी ए बी पार्ट ही बार बार रिपीट हो रहा है ठीक है सो दैट कैन बी एज यहां पर हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई दिस बाई हंड ठीक है हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर हंड्रेड एक्स में से को कर देंगे बच जाएगा नाइन नाइन एक्स डिवाइड बाई नाइंटी नाइन कर दिया रूपर नंबर हमारा आ जाएगा ए बी दिस विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन नाइन नाइन

Easily हमने जनरलाइज़ कर लिया इन चीजों को ठीक है बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो कभी ऐसा भी तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर गिवन है जीरो पॉइंट वन फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव अब एक प्रॉब्लम आ गई इनिशियली जो वन गिवन है बाद में फोर फाइव तो रिपीट हो रहा है बार बार बट इनिशियली एक्स्ट्रा वन भी है तो उससे भी हैंडल करना पड़ेगा भी तो हैंडल करना पड़ेगा सो लेटर दिस इज इक्वल टू एक्स सबसे पहले इस वन को हटाते हैं फिर बाकी प्रोसेस हमारा एग्जैक्टली exactly वैसा ही होगा जैसे कि पहले कर रहे थे क्योंकि फोर फाइव रिपीट हो रहा है तो इसको हंड्रेड्लाई कर दोन तो, एक्स को हंड्रेड्लाई करोली वन थाउजेंड एक्सन थाउजेंड एक्स विल भी इक्वल टू वन फोर्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव फोर फाइव फाइव एंड सप्लाई कर दोगे दोन एक्स इक्वल टू डेसिमल के बाद वाला पार्ट गया फोर सो एक्सवल टू वन फोर्टी फोर डिवाइड बाई नाइन नाइनटी और सिंप्लीफाई हो जाएगा नाइन से डिवाइड हो जाएगा तो सिक्सटीन अपॉन वन वन जीरो नंबर आ जाएगा ठीक है ये तो एक अप्रोच हो गया इस क्वेश्चन को समझने का एक और अप्रोच है जिससे कि इसको और समझ सकते हैं वो ये हो गया कि बस वन परिसन बाई टेन लिख सकते हो और जीरो पॉइंट फोर फाइव फोर फाइव अगर होता अगर जीरो लिखा सकता था फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई नाइनटी नाइन बट एक और एक्स्ट्रा जीरो है यानी कि हम इसको डिवाइड बाई टेन कर रहे हैं सो दिस नंबर विल बी फोर्टी फाइव डिवाइड बाई नाइन नाइन जीरो फोर्टी फाइव डिवाइड बाई नाइन नाइन जीरो नाइन नाइनटी हो गया सो नाइनटी नाइन प्लस फोर्टी फाइव और हंड्रेड प्लस फोर्टी फाइव माइनस वन हंड्रेड प्लस फोर्टी फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाई नाइन नाइनटी फोर्टी फोर बाय नाइन नाइनटी इन शॉर्ट अगर हम एक और एग्जाम्पल लें एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फोर सिक्स फोर सिक्स फोर अब बार बार इसमें सिक्स फोर ही रिपीट हो रहा है ठीक है और यह नंबर हमारा क्या हो जाएगा दिस विल बी थ्री बाई टेन प्लस सिक्सटी फोर बाई नाइन नाइनटी या और बेटर तरह से समझना है तो दिस विल बी 364 माइनस ये जो फर्स्ट नंबर है हमारा फर्स्ट डिजिट है जो कि रिपीट नहीं हो रहा 364 3 डिवाइडेड बाय 990 अल्टीमेटली यही नंबर आएगा यानी कि 361 डिवाइड बाय 990 एक और एग्जांपल लेते हैं लेट अस से एक्स है हमारा इक्वल टू 0. 7 23 23 23 एंड सो तो नंबर है 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 बार बार रिपीट हो 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 रहा जाएगा और हमें ये क्लियर चुका है पूरी तरह से कि ऐसा कोई भी नंबर जहां नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग पैटर्न है दैट इज ऑलवेज नंबर तो इन नंबर हमारे सिर्फ और सिर्फ वो नंबर्स बच जाते हैं जहां रिकरिंग पैटर्न देर नो रिकरिंग पैटर्न दोज नंबर्स विल बी इेशनल नंबर्स क्या ये पार्ट क्लियर है ओके अब कुछ रैशनल नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं इेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल रूट टू स्क्वायर रूट ऑफ टू दैट इज वन पॉइंट फोर वन फोर टू एंड बट अल्टीमेटली यहां पे हमें एक नॉन रिकरिंग पैटर्न मिलता है रूट टू में दैट इज व्हाई दिस इज इरेशनल नंबर सिमिलरली रूट थ्री 1.732 एंड सो दिस इज आल्सो इरेशनल नंबर पाई इज वन ऑफ द वेरी फेमस इरेशनल नंबर्स एक बात ध्यान देनी है कि पाई को कई बार हमें इन एजनरल लिखते हैं 22/7 22/7 एक रैशनल नंबर है और पाई एक इरेशनल नंबर है तो ये हमेशा याद रखना हम इसको

नहीं होगा बिकॉज दिस इज इक्वल टू फोर सो दिस इज नॉट अरेशन नंबर दिस नॉट बी अरेशन नंबर ओके अदरवाइज जो हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं दे आर इेशन नंबर उनका स्क्वायर रूट इज ऑलवेज इेशन नंबर तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज इेशन एक और छोटी सी बात बिटवीन टू रियल नंबर्स लेट लेडर्स से नंबर हमने लिए वन एंड टू दो कोई भी नंबर्स ले सकते हो वन एंड फाइव ले लेते हैं कोई भी रैंडम नंबर्स ले लो ठीक है इनफैक्ट एक सेकंड हटा ही देते हैं इसको बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स कोई भी दो रियल नंबर्स चूज कर लो नंबर लाइन पे तो बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स

But at the same time, there are finite integers. Integers finite infinitely many real numbers, infinitely many rational numbers, infinitely many irrational numbers, but there are finite integers. Okay? So, rational numbers could be distributed Rational numbers can be distributed into two parts. First part will be integers, and second part is fractions. वैसे इंटीजर्स भी फ्रैक्शन ही है बट इंटीजर्स आर दो फ्रैक्शन टू वन और फ्रैक्शन के होंगे proper, improper, ये सब चीज़ें याद नहीं रखनी बस समझना है ठीक है, है. है तो बेसिक से बातों को रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमीटर यानी कि प्रॉपर बी लेस देन वन फॉर एग्जाम्पल फोर बाई सेवन और थ्री बाई एट दो फ्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एग्जाम्पल नाइन बाई फाइव विच कैन ऑल्सो रिटर्न और मिक्स फ्रैक्शन हुआ हमारा जहां पर फ्रैक्शन ठीक है जिसको इम प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अब बात करते हैं इंटीजर्स की जिनपे हमारा सबसे ज्यादा फोकस है इंटीजर्स So, integers can be divided into three parts. One part is negative integers minus 1, minus 2, minus 3, and so on. And negative integers are infinitely many from minus 1 to minus infinity. Second part is positive integers. Positive integers are also called natural numbers. देखो तो नेचर में अगर कुछ कुछ एग्जिस्ट करता है तो या तो वन होगा या टू होगा क्वांटिटी में होगा ना डिफाइंड होगा कि वन एप्पल टू एप्पल तो नेचुरली जिन नंबर्स को हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में दो नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स काउंटिंग में यूज करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड सो वन काउंटिंग नंबर ठीक है बट एक नंबर अभी हमारा रह गया जो कि ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है दैट नंबर इज जीरो जीरो तो जीरो ना तो नेगेटिव है नॉन नेगेटिव है आल्सो इट इज आल्सो नॉन पॉजिटिव ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है दैट इज जीरो और जब हम जीरो और पॉजिटिव नंबर दोनों को ही इंक्लूड कर लेते हैं सो दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स क्या है कंप्लीटनेस दिखाते हैं एक एप्पल होगा दो एप्पल होंगे तीन एप्पल होंगे टू एंड हाफ नहीं टू एंड हाफ तो कंप्लीट नहीं।, तो नहीं है दैट इज वाइट पॉजिटिव नंबर्स हमारे होल नंबर्स है बट जीरो जीरो इज कंप्लीट एब्सेंस दैट इज वाई जीरो इज ऑल्सो होल नंबर जीरो एप्पल यानी कि एक बैप्पल नहीं है वहां पर ओके okay. तो जीरो इज ऑल्सो इंक्लिडेन होल नंबर या फिर कह सकते हैं इसको नॉन निगेटिव नंबर्स नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या ये पार्ट क्लियर है ओके देन देर आर टू अदर डिस्टिंक्शन्स ऑड नंबर्स एंड इवेंट नंबर्स ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर सो एनी नंबर इवन यानी कि द नंबर दैट इज डिडेड नंबर डिविजल बाई टू आर इवन नंबर्स ठीक है सो so अगर हम पॉजिटिव नंबर में देखें तो फर्स्ट नंबर क्या होगा टू विच इज डिविजल बाई टू देन फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व एंड सोन

Because जब जीरो को टू से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारा बचेगा कितना जीरो और अगर जीरो रिमाइंडर बच रहा है इज़ okay. so हमारे वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन तो ये भी एक एपी फॉर्म कर रहे हैं अपनी इनकी अपनी खुद की एपी है और उसका जनरेटम क्या होगा उसका जनरल टर्म हो जाएगा हमारा टू एन माइनस वन और जबकि हम स्टार्ट कर रहे हैं N 1 से जब भी किसी एपी का जनरल टर्म हम डिफाइन करते हैं अदरवाइज तो लिखने के लिए जनरल टर्म तो नहीं होगा बट यस टू एन प्लस वन के फॉर्म में भी लिख सकते हो तुम फॉर्म इज कोल्सो एक्सेप्टेबल बट फिर हमें N 0 से करना स्टार्ट करना पड़ेगा so, ओके okay. क्लियर है अब एक दो शॉर्ट चीजें समझ लेते हैं ऑर्डर और, और नंबर्स के बीच में फिर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे फिर सेशन को अप करते हैं देखो तो अगर इफ वी आर एडिंग ऑन एडिशन इफ यू आर एडिंग टू ऑड नंबर्स तो ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर विल बी अवेंट नंबर दो ऑड नंबर्स को एड करोगे तो हमें एक इवन नंबर मिलेगा ठीक है क्योंकि अगर हम पहला ऑर्ड नंबर देखें तो दैट इज लेटेस्ट टू ए प्लस वन फर्स्ट ऑर्ड नंबर सेकंड ऑर्ड नंबर हमारा हो गया टू बी प्लस वन वन सेकेंड सेकंड हो गया टू बी प्लस वन दोनों को ऐड कर करजोगे दिस विल भी टू टू ए प्लस टू बी प्लस वन प्लस दिस इज ऑल्सो टू अल्टीमेटली टू कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा अंदर ए प्लस बी प्लस वन दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू एंड हेंस इवन नंबर ठीक है अगर तुम ऑर्ड में इवन ऐड करते हो ऑर्डर कुछ भी हो पहले ऑर्ड है या बाद में इवन है या पहले इवन है बाद में ऑर्डर से क्या फर्क पड़ता है तो हमारा सम विल ऑलवेज बी नंबर और अगर टू इवन नंबर आदि है तो उनका एडिशन इज ऑल्सो इवन नंबर तीन केसेस बनेंगे एडिशन में यहां पर सब्ट्रैक्शन भी एड करो सब्ट्रेक्शन में भी भीज एग्जैक्टली exactly यही होंगे तभी हमारा इफ यू आर सब्ट ऑर्ड नंबर फ्रॉम अनदर ऑड नंबर रिजल्ट विल बी इवन ऑर्ड माइनस इवन विल ऑल्सो बी ऑड और इवन माइनस इवन विल ऑल्सो बी इवन ठीक है एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की सो इफ मल्टीप्लाइंग टू ऑड नंबर सो ऑड इनटू ऑड विल ऑलवेज बी ऑड बिकॉज ना तो पहले ऑड में हमारा टू का मल्टीपल है ना दूसरे में टू का मल्टीपल है मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऑड ही रहने वाला है ऑड ही रहने वाला है और एग्जाम्पल तुम समझ सकते हो टू ए प्लस वन इन टू टू बी प्लस वन तो दिस विल बी फोर ए बी प्लस टू ए टू बी प्लस वन अब इतना जो पार्ट है हमारा फोर ए बी प्लस टू ए प्लस टू बी ये तो इवन है बट इस पूरे में काम खराब कर रहा है अगर एक ऑड है दूसरा इवन है तब तो हो गया इवन बिकॉज इवन नंबर टू का मल्टीपल है तो रिजल्ट हमारा इवन आएगा दोनों इवन है तब भी इवन ही होना है एंड इफ बोथ आर इवन तो ना सिर्फ इवन होगा बट बल्कि दिस विल आल्सो बी डिविजिबल बाय और, कम से कम फोर से तो जरूर डिविजिबल होगा बिकॉज पहला भी टू से डिविजिबल है दूसरा कुछ चीजें ध्यान रखनी है और वो ध्यान रखने वाली चीज है कुछ भी ऐसा कंक्लूड हम नहीं कर सकते बिकॉज हमें यही नहीं पता डिवीजन में इंटीजर आएगा फ्रैक्शन आएगा ठीक है इफ यू आर डिवाइडिंग एन इवन नंबर बाई नंबर या इवन नंबर बाई इवन नंबर ऑड नंबर बाई इवन नंबर वी डू नॉट नो कि यहां से फ्रैक्शन रिजल्ट आएगा या इंटीजर आएगा दोनों में से कुछ भी आ सकता है डिपेंड करेगा नंबर्स में से कौन सा बड़ा है ठीक है और अदरवाइज डिवाइड भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो यहां से कोई भी हम कंक्लूजन डिवीजन में ड्रॉ नहीं कर सकते क्या ये बात क्लियर है ठीक है अब क्वेश्चंस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रैशनल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर रैशनल चेकआउट बिल्कुल ईजी सवाल है बट कहीं पर तुमसे गलती ना हो इसलिए छोटा सा यहां पर एग्जाम्पल ले रहे हैं पहला एग्जांपल है, so, so, तो है. है, स्क्वार है? है ठीक है रूट ऑफ वन ट्वेंटी स्क्वायर स्क्वायर रूट है दैट इज रैशनल है ठीक है सो इलेवन बाय फिफ्टीन दिस इज रैशनल नंबर सो यस दिस इज रैशनल ऑप्शन ए इज करेक्ट रैशनल है नहीं होगा हाँ अगर रूट ऑफ ट्वेल्व बाई फिफ्टीन होता तब बात अलग थी तब फिर डेफिनेटली रैशन नंबर है तो माइनस ट्वेंटी भी एक रैशनल नंबर ही होगा निगेटिव होने की वजह से हो जाता दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन ओके नॉट ट्वेल्व बाई रूट एट है, तो तुमने 3 को मल्टीप्लाई किया तब भी रिजल्ट मल्टीप्लाइंग रैशन नंबर इन टू इेशनल नंबर तो भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा इर रैशनल ही आएगा बट टू इेशन नंबर कैन मेक रेशन नंबर फॉर एक्साम्पल अगर मैं स्क्वायर टू में मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर ऑफ टू को तो रिजल्ट हमारा रैशनल हो जाएगा विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने से नंबर बन सकता है बन भी सकता है और कभी नहीं भी बन सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो हमें पता हो कि बन भी सकता है नहीं बन सकता दोनों केसेस पॉसिबल है लास्ट ऑप्शन नाइन बाई थर्टीन माइनस रूट वन सिक्स और रूट वन सिक्स क्या होता है 13. 13 13 0, तो अनडिफाइंड है ना तो ये रैशनल होगा ना ही ये इेशनल होगा ये कुछ भी नहीं होगा ये तो डिफाइन ही नहीं होगा दैट दिस इज नॉट रैशनल सी भी रैशनल नहीं था क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेट एक्स वाई जेड भी डिस्टिंग पॉजिटिविटी जिसफाइंग एक्स इज लेस देन वाई एंड वाई इज लेस देन जेड और एक्स और वाई और जेड का सम आ रहा है इक्वल टू के सो इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के दैट डज नॉट डिटमाइन एक्स वाई एंड जेड यूनिकली लास्ट लाइन को सेकंड लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है समझना है इस बात का मतलब क्या है क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के दैट डज नॉट डिटरमाइन एक्स वाई एंड जेड यूनिकली यानी कि के की किसी वैल्यू के लिए अगर हमें एक्स वाई जेड डेफिनेटली पता चल रहा है कि एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है तो वो हमारा आंसर नहीं होगा और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें ऐसी चाहिए जहां पर हम यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सके यानी कि हमें के की छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा क्या बात समझ में आती है साथ में हमें कंडीशन और गिवन है दैट एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्टली पॉजिटिव इंटीजर्स डिस्टिंक्ट है इक्वल नहीं है एक्स छोटा है वाई से वाई छोटा है जेड से और डिफाइन किया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के चलो लिखते हैं इसको अब अगर x y z तीनों के तीनों हमारे डिस्टिंक्ट और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो सबसे छोटी वैल्यू x क्या ले सकता है x अगर बहुत छोटा भी होगा तो कितना छोटा हो जाएगा अगर बहुत छोटा भी होगा तो भी x कितना छोटा हो जाएगा कैन बी इक्वल टू 1 1 से छोटा हो नहीं सकता देन y कैन बी इक्वल टू 2 एंड z कैन बी इक्वल टू 3 इससे छोटा y हमारा 2 से छोटा नहीं हो सकता बिकॉज़ x से बड़ा होना है और Z3 से छोटा नहीं हो सकता है क्योंकि तो वाई से बड़ा होना है तो मिनिमम सोल्यूशन भी आएगा का कितना आएगा six आएगा आ गया बट क्या सिक्स आने का कोई भी और तरीका है यूनिक सोल्यूशन आ रहा है और क्वेश्चन चार है डज नॉट डिटरमाइन एक्स वाई एंड यूनिकली दैट इज वाई सिक्स तो सोल्यूशन नहीं होगा बिकॉज पे हमें एक ही सिक्सूशन मिल रहा है कि एक्स मस्ट बी इक्वल टू वन वाई मस्ट बी इक्वल टू टू एंड जेड मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है कोई भी वैल्यू एक्स वाई जेड ले सकते हैं तो उस केस में फिर सॉल्यूशन में मल्टीपल मिल जाते क्योंकि तो हो जाता कि वाई हमारा वन हो जाए एक्स टू हो जाए जेड थ्री हो जाए बट यहां पे क्योंकि ऑर्डर भी गिवन है एक्स छोटा है y से y है z से छोटा है तो डेफिनेटली इज ऑनली वन सोल्यूशनली वन सोल्यूशन सेकंड केस क्या ले सकते हैं सिक्स की बजाय को कर दो सेवन वन से बड़ा कर दिया ठीक है बट अगर वन से बड़ा कर दिया क्या तो ले सकते हो तो जैसे ही तुमने एक्स को टू ले लिया तो वाई को तो थ्री होना पड़ेगा और जेड को तो कम से कम फोर होना पड़ेगा तो सोल्यूशन तुम्हारा सम तो फिर सेवन आएगा नहीं ठीक है सम सेवन आएगा नहीं तो ये सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता अगर तुमने वाई को थ्री ले लिया अगेन एक्स तो वन हो सकता है बट जेड को फोर होना पड़ेगा तब भी सेवन तुम्हारा सम नहीं आने वाला यानी कि सेवन समाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है यू इंक्रीज यानी को टू रखो, रखो और जेड को कर दो फोर तो वन प्लस टू प्लस फोर दैट इज इक्वल टू सेवन तो यहां भी हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है और जब तक सॉल्यूशन यूनिक आ रहा है तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं यानी कि सिक्स आंसर नहीं हो सकता सेवन नहीं हो सकता बच गए एट और नाइन अब ए ट्राई करते हैं ठीक है ए ट्राई करते हैं हालांकि देखो बढ़ाते समय ऐसे भी सोच सकते हो कि अब वन टू फोर आ गया अब एक अप्रोच ये है कि हम जेड को वन से इंक्रीज करें तो आ जाएगा वैल्यू वन टू एंड सम आ जाएगा एट या ये भी तो कर सकते हैं ये क्योंकि अब हम वाई को थ्री भी कर सकते हैं वो भी परमिसेबल है तो अगर हम वाई में इंक्रीज कर दें तो वन प्लस थ्री प्लस फोर दैट इज ऑल्सो पॉसिबल और दोनों केसेस में सम कितना आ जाएगा हमारा एट वन प्लस टू प्लस फाइव इज ऑल्सो एट वन प्लस थ्री प्लस फोर इज ऑल्सो एट तो यहां पे हमारा सॉल्यूशन इज नॉट यूनिक दो सॉल्यूशंस पॉसिबल है स्मॉलेस्ट सच वैल्यू जहां पे पर हमारे दो सॉल्यूशन पॉसिबल हो रहे हैं सो विल बी द आंसर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 9 पे दो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे इसका ये मतलब हुआ कि एट पे हमें दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं दैट इज वाई एट क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज आंसर आ जाएगा नाइन पे भी सॉल्यूशन हमारे मल्टीपल मिल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने कर दिया वन प्लस टू प्लस सिक्स नाइन आ जाएगा वन प्लस थ्री प्लस फाइव कर दोगे तब भी नाइन आ जाएगा और अगर टू प्लस थ्री प्लस फोर कर दोगे तब भी नाइन आ जाएगा तो नाइन तो तीनों केसेस में आ रहा है बट नाइन से छोटी वैल्यू में एट मिल रही है इज आंसर होगा नाइन भी सेटिसफाई कर रहा है इस कंडीशन को तो अगर कोई और क्वेश्चन होता जहां पर पूछता कौन कौन से ऐसे नंबर्स है जो कि सेटिसफाई कर रहे हैं इस कंडीशन को दैट वी कैन नॉट डिटमाइन वैल्यूज ऑफ एक्स यूनिकली तो फिर नाइन भी सटिस्फाई करता एट भी सैटिस्फाई करता बट फॉर द प्रेजेंट क्वेश्चन द आंसर इज एट ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन given odd positive integers x, y, and z, which of the following is not necessarily true? Not necessarily true. ठीक है? X odd है, y odd है और z odd है. तो अगर x हमारा odd है, y odd है और z odd है, सारे के सारे odd numbers हैं. तो अगर हम इनका square कर देंगे, यानी x square. X square क्या होगा? Odd into odd. क्योंकि तो x odd है. दोनों ही x odd है. Odd into odd क्या होगा? Odd होगा. यानी x square. y square और z square ये भी सारे के सारे odd ही होंगे ये भी odd ही होंगे in fact x to the power n कोई भी पावर हो एक्स की वाई टू द और देड टू द दिन ये सारे के सारे ऑड नंबर्स होंगे जहां जब तक हमारा एन एक इंटीजर है ठीक है एक पॉजिटिव इंटीजर है इवन जीरो भी भी होगा तो तो चलेगा ठीक है डेफिनेटली तो सारे के सारे केसेस में ऑड होगा क्लियर अब पहला एग्जाम्पल पहला ऑप्शन ए देखते हैं एक्स इज ऑड एक्स स्क् वाई स्क्वायर भी ऑड है जेड स्क्वायर भी ऑड है तो ऑप्शन ए में सारे ऑड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं रिजल्ट तो ऑड ही आएगा एक भी इवन होता तो रिजल्ट इवन आया था यानी कि ए में ऑड आ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट नेली ट्रू दिस इज ने ट्रू तो आंसर नहीं होगा दिस विल नॉट बी द आंसर बिकॉज ये ट्रू है हमेशा ट्रू है हमेशा ट्रू है ऑप्शन बी थ्री इंटू थ्री तो एक ऑड नंबर है ठीक है हमें क्योंकि ऑर्डर इवेंट में करना है तो थ्री को डायरेक्टली ऑड लिख दो थ्री इज ऑड एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय स्क्र प्लस वाई क्यूब एक्स स्क् वाई क्यूब क्या है वो भी ऑड है और इंटू जेड स्क्वायर जो कि खुद में भी ऑड है अब ध्यान ये देना है देखो ऑर्ड इंटू ऑर्ड प्लस ऑड इंटू बीच वाला ऑर्ड प्लस है ये बनाएगा क्या इवन even बनाएगा even बनाएगा तो अब हमारे नंबर्स में से पहला ऑर्ड है बीच वाला नंबर इवन है और लास्ट ऑर्ड है एक भी नंबर है तो रिजल्ट तो सॉरी बाद वाला odd है एक भी नंबर अगर even है और क्योंकि एक नंबर इवन है दैट इज रिजल्ट तो even ही आएगा तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है और हमेशा ट्रू है दैट इज वाई दिस इज नॉट द आंसर ऑप्शन सी में एक्स ऑर्ड है फाइव भी ऑर्ड है तो ऑर्ड इंटू ऑर्ड क्या आएगा पहला हो गया ऑर्ड इंटू ऑर्ड

प्लस वाई टू तो पार फोर जो कि ऑड होगा एंड डिवाइडेड बाई टू और क्वेश्चन कह रहा है कि इवन होगा ठीक है सो ऑड प्लस इवन हो जाएगा ऑड इन टू इवन बाई टू अब क्योंकि नंबर हमारा इवन है तो टू का मल्टीपल तो होगा ठीक है क्योंकि दोनों ऑर्ड प्लस ऑड का सम इवन आ रहे हैं टू का मल्टीपल तो होगा डिवाइड कर रहे हैं टू से तो इवन बाई टू क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इवन है, है यानी का मल्टीपल है तो वी कैन राइट दिस एज ऑड इंटू टू के बाई टू दे है मैं नहीं पता तो यानी कि पॉसिबिलिटी तो है कि ऑड भी हो सकता है एक ले लो जब भी कंफ्यूजन हो तो एग्जाम्पल ले लो वैसे तो हमें डी आंसर मिल गया है बिकॉज नॉट नेसेसरी ट्रू कह रहा है तो हमेशा ट्रू होना जरूरी नहीं है फिर भी कोई डाउट हो तो एग्जाम्पल ले लो लेटेस्ट से हमने मान लिया और यहां पे नंबर्स हमारे डिस्टिंक्ट होना जरूरी भी नहीं है तो सारे नंबर्स को वन मान लो क्स इक्ल टू वन वाई टू वन सबको सबसे इजी नंबर मान लो तो पॉवर फॉर इंटू वन प्लस एक ऑड नंबर है तो यानी कि ये हमारा हमारे लिए हुए एग्जाम्पल में ही फॉल्स हो गया ठीक है अगर ट्रू आता तो फिर हम एक और एग्जाम्पल लेते क्योंकि हमें फॉल्स करने के बारे में चेक करना है नॉट ट्रू क्योंकि लिखा हुआ है ठीक है सो डेफिनेटली डी इज द करेक्ट आंसर कि एक एग्जाम एक केस में तो ऑर्ड आ रहा है तो बाकी केसेस में भी ऑर्ड आने का पॉसिबिलिटी हमेशा रहता है ठीक है इवन हो सकता है हो जाए किसी केस में हमें नहीं पता हमें जानने की जरूरत भी नहीं है आंसर इज डी क्या क्या पार्ट क्लियर है क्या लॉजिक समझ में आया क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया ठीक है और इतना लिखा तुम्हें समझाने के लिए अदरवाइज एक बार ये चीज समझ में आ गई तुम्हें कब ऑर्ड होगा कब इवन होगा तो स्ट्रेट वे तुम ऑप्शन को देख के डायरेक्टली सोच सकते हो कि पहले वाले केस में क्या हो रहा है सारे नंबर्स ऑर्ड है सबको मट्टीप्लाई करो रिजल्ट ऑड ही आएगा सेकंड केस में क्या हो रहा है पहला नंबर ऑर्ड है थ्री ऑर्ड है बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू क्या है दैट इज इवन

ठीक है इतना ही रखते हैं इस सेशन में आई बिलीव सेशन में जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो समझ में आएगा और सेशन में तुम्हें मजा आएगा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दट इज ऑल फॉर दिस सेशन बाय बाय टेक केयर एंड कीप रनिंग